अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपको सामने ख़बर लेकर आया हूँ ये आपको पहले ही पता होगा, लेकिन इसमें जो अहम मालूमात है वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि ये जो पंजाब पुलिस का रिटर्न टेस्ट ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस खुद लेगा, ये इस तरह की जो बात नहीं है। बात कुछ इस तरह है कि जिन दोस्तों के वालदैन या ब्रदर जो हैं पंजाब पुलिस में भर्ती हैं लेकिन वो शहीद हो गए हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये है सर्वस कोटा, उनके लिए है। अगर आपने अपने वालद या भाई की जगह पे अप्लाई किया है या क्लेम पर भर्ती होने चाहते हैं, तो आप पहले खुद सब कुछ करते थे। आप एप्लीकेशन तो आईजी दफ्तर देते थे, वहाँ पे जो है सारा काम आप खुद करवाते थे, मेजरमेंट ये जो मेडिकल सब चीज़ें आप खुद करवाते थे, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता था। इस मरतबा बात कुछ इस तरह है कि जो महकमा पंजाब पुलिस है वो एक मेडिकल बोर्ड बना देना है उसने, वहाँ पे आपने जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, उसने ही आपके जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप मेडिकल बोर्ड जो है वो आपको भर्ती करेगा और आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हैं और आप इस जॉब के लिए भर्ती हो सकते हैं। ये बात थी। और इसमें जो है कि ये जो ओपन मेरिट पर वैकेंसी आई हुई हैं एसपीयू कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, एसपीयू वायरलेस ऑपरेटर, इस तरह के जो पेपर है, अभी एजेंसी फाइनल होगी तो ही जो है इनकी कोशिश है एजेंसी ही पेपर ले, ना कि महकमा जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है वो ना ले, जो एजेंसी है वो ही पेपर ले। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।